संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ में 22 दिसंबर यानी कि आज इंडिया गठबंधन के दलों ने जंतर मंतर पर जुटे हैं और प्रदर्शन किया है। सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। गठबंधन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सांसदों के सस्पेंशन के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करने को कहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी विपक्ष रहित सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। संसद में जो लोग घुसे थे उन्होंने रंगीन धुआं उड़ाया था, अगर यह कुछ और होता तो देश की स्थिति कुछ और होती। प्रदर्शन में शामिल होने वाले के लिए दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सदन में सिर्फ गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे, इस पर कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पार्लियामेंट हाउस में दो तीन युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए? अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है।